तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज अष्टमी, मैं नहा चुकी हूँ और अब जल्दी से करते हैं प्रसाद की तैयारी, क्योंकि वरना लेट हो जाएंगे हम लोग। और फिलहाल मैं चले हैं बॉईल करने जा रही हूँ, उसके बाद इन्हें छौकेंगे, उसके एक तरफ बनाएंगे हलवा, फिर पूड़ी का ना सामान बाद का हो रह जाएगा, तो जल्दी से बनाते हैं। सुबह यहाँ पर हम बोल रहे हैं सूजी हलवे के लिए, चने एक तरफ मेरे बल चुके हैं, अब जल्दी से सूजी भून के और हलवा बनाते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे चनों की तरह। ये और थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे चने भी बनके रेडी हो चुके हैं और मैं चने ना इसी तरीके से बनाती हूँ, एकदम अच्छे से, थोड़े से चटपटे खट्टे। सो गाइस, पूजा हो चुकी है। बुग्गू भी, यार बुग्गू तो एक जगह कंजक भी खाया ही। हाँ, ये मेरे लड्डू गोपाल जी, भाई बहनों ने नए कपड़े पहने हैं। सो गाइस, चने बन चुके हैं, हलवा बन चुका है, आटा गूंद के मन रख दिया था, उसके बाद हम पूजा करने गए थे। अब जल्दी से पूड़ी बनाते हैं और बच्चों को बुलाते हैं। यहाँ पर पूड़ी बनाने बैठे हूँ और इस मैडम को देख लो, ये बनाएगी। मम्मा बना ले पहले। और आज बुग्गू बहुत सुंदर लग रहा है, नजर न लगे। तू 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 चलो जकारा तो लगाओ, लगाओ भाई, उन बच्चों को लगाना आएगा, तुम लगाओ। बोलता के दरबार की जय, जकारा शेरावाली दा, बोलता के दरबार की जय। कंजक बैठ चुकी है और कंजक बैठने से पहले बहुत तगड़ा सीन हो गया था। मैं यहाँ पे गैस पे, कम गैस पे तेल करके रख के गई थी, फिर मैं आके और चने फ्राई करूँगी, तो हुआ ये कि उनका लहरें उड़ गई आग की, वो भी इतनी ऊँची ऊँची। मैं तो आप लोगों को चीज़ का प्रूफ दिखाती हूँ, एक मिनट। ये है वो कढ़ाई जिस टाइम पूरी जल चुकी है, एकदम काली हो गई है, इतनी तेज से लहरें उठ रही थी यहाँ से। ये सारा देखो, ये डब्बा यहाँ पर रखा हुआ था, ये भी पिघल गया पूरा। इतना तगड़ा सीन होते होते आज बच गया है, कोई बात नहीं, सब कुछ जैसा माता रानी चाहें। अरे बावटी पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, आलू बॉईल हो रहे हैं, मैं आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ जल्दी से, पूड़ियाँ तो बन चुकी हैं, उसके बाद हम खाते हैं खाना, क्योंकि अभी से आँखों में नींद आ रही है, खाना खाने का तो पता नहीं क्या होगा। में आया है लड्डू जी का पलंगा भो, अरे वाह सुंदर लग रहा है ना, मस्त लग रहा है ना, सुंदर सुंदर। ओ भाई सही है, तकिया एक ही है, अच्छा बीचों बीच के लिए सिर्फ। तो बुगू ने पहने आज कुछ इस तरह के कपड़े। बुगू हाय, सुंदर लग रही है। बुगू पर्स दिखाओ, पर्स दिखाओ, पर्स तो दिखा दो, पर्स, ये पर्स है बुगू का। तो मैं सो गई थी खाना ना खाने बाद, क्योंकि 8-9 दिन बाद खाना खा के ना नशा सा हो गया था मेरा, ना थोड़ा ऐसे हो रहा है अभी, नींद नींद नहीं हो रही हूँ। मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि मैंने पूड़ी बनाई थी ना, तो सारा आगे से गंदा हो गया था, मैंने येलो कलर का सूट डाला हुआ था। कल हमारे घर पे कथा है तो थोड़ा सामान रह गया है और थोड़े से लोगों को और इनवाइट करना रह गया है, तो चलते हैं जल्दी से और ये काम भी खत्म करके आते हैं। सो यहाँ आए थे हम एक फ़ोटो लेने में, मुझे बाबा की फ़ोटो बहुत पसंद आ रही थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं ऐसे नहीं बनाता, और यहाँ मुझे अपना एक फ्रेम भी जुड़वाना था, सुत्रे भगवान की फ़ोटो भी लेनी थी। सो है गाइस, हम लोग सामान वामान लेके घर आ चुके थे और मैं अभी से इतना थक चुकी हूँ ना, कल इतना सारा काम है। बुग्गू वैसे भी जा रही है अपने नाना नानी के घर, क्योंकि कल हमारे घर पे नौमी पूछती है, तो कल वहाँ पे कंजक है, तो बुग्गू मैडम तो जाएंगी जाएंगी, और सही थोड़ा जाएगी तो मेरा भी थोड़ा सा काम हो जाएगा, क्योंकि घर ना थोड़ा फैला हुआ है,
मैं वो भी समेट दूंगी। हमारे 3-4 बार राउंड लगे बाइक से, सामान लेके आए रखे, फिर गए, फिर सामान लाए, फिर रखे, थक गए यार। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा किचन समेट दूँ, क्योंकि किचन करके सोऊंगी ना तो सुबह मेरे और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चलते हैं जल्दी से, और वैसे भी किचन की भी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है, तो किचन समेटते हैं, करते हैं जल्दी जल्दी।